Hey guys, welcome to Happiness is Here. आजकल के टाइम में क्या हो गया है कि जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन में ही खोए रहते हैं और बाहर फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम करते हैं. तो हमें अपने बच्चों को इस चीज की तरफ मोटिवेट करना चाहिए कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. इससे क्या होता है कि जो उनकी पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ती है, लेकिन मोबाइल फोन या टीवी में खोए रहने से पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाती है. तो आज मैं कुछ योगा लेके आई हूँ बच्चों के लिए, जिनको आप बोल सकते हैं अपने बच्चों को कि अपनी डेली रूटीन लाइफ में उनको लेके आए. तो आज मैं कुछ योगा लेके आई हूँ बच्चों के लिए, जो आप खुद भी करें और अपने साथ अपने बच्चों को भी करवाएं. तो चले शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन. अपने पैरों को एक साथ रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपनी हथेलियों को जांघों की ओर करें. बाजुओं को थोड़ा ऊपर उठाएं और अपने शरीर के हर अंग को तान लें, पेट अंदर और अपनी छाती को चौड़ी करें. ये क्रिया आपने 20 से 30 सेकंड करनी है. इस आसन से कमर को शक्ति मिलती है. अब हम करेंगे दूसरा आसन, जिसका नाम है ऊर्ध्व हस्तासन. ताड़ासन से शुरू करते हुए बाजुओं को सिर से ऊपर ले जाएं और साधारण तरीके से सांस लें. सांस को बिल्कुल रोकना नहीं है. 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहें. इस आसन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और ये मुद्रा बिल्कुल सीधा खड़े रहना सिखाती है. तो बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है, जो उन्हें रोज़ करना चाहिए. इसमें पढ़ाई में भी उनको सहायता मिलेगी और साथ में उनके जो पोस्चर हैं उनको भी सही रखने में ये आसन बहुत ही हेल्पफुल है. तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे आसन की तरफ, जिसका नाम है वृक्षासन. ताड़ासन से शुरू करते हुए हमें हमारे दाएं हाथ से दाएं पैर के टखने को पकड़ना है और अपने दाएं पैर को बाईं जांघ पे कुछ इस तरह से टिकाना है. फिर हमारे दोनों हाथों को सर से ऊपर ले जाकर कुछ इस तरह से जोड़ देना है. फिर हमें इसी मुद्रा में कम से कम 30 सेकंड तक रुकना है और एक ही बिंदु पे ध्यान केंद्रित करना है. ये आसन बच्चों में पढ़ाई को लेकर कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल है और साथ ही ये आसन पोस्चर्स को सुधारने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जैसे कुछ बच्चों में संतुलन नहीं बन पाता है, वो उनके बॉडी पोस्चर्स ठीक नहीं रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए को ये आसन ज़रूर करना चाहिए. बहुत ही हेल्प मिलेगी उनको. जैसे हमने दाईं साइड से किया ये आसन, सेम हमें रिपीट करना है बाएं साइड से. बाएं पैर को इस तरह से रखना है हमें अपनी दाईं जांघ पे और हाथों को ऊपर ले जाकर सेम उसी तरह से जोड़कर कम से कम 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहना है. तो अभी बच्चों पता चल गया ना पढ़ाई के लिए कौन सा आसन इम्पॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, वृक्षासन. तो रोज़ ये करना है आपको. अब बारी है चौथे आसन की, जिसका नाम है उत्कटासन. जिस तरह से हम लोग स्कूटी पे बैठते हैं या किसी कुर्सी पे बैठते हैं ना, ये आसन सेम वैसा ही है. ताड़ासन से शुरू करते हुए हमें हमारे हाथों को सिर से ऊपर ले जाकर जोड़ लेना है और फिर घुटनों को इस तरह से मोड़कर इस मुद्रा में कम से कम हमें 5 से 15 सेकेंड्स तक रुकना है. फिर बाद में आप धीरे धीरे जैसे आपका स्टेमिना बनता है इस टाइम को बढ़ा सकते हैं. इस आसन से हमारे टखने, हमारी पिंडलियाँ, जांघें और कमर, इन सबको मजबूती मिलती है और सांस को रेगुलर रखना है, सांस को रोकना नहीं है और आगे की तरफ ज़्यादा नहीं झुकना है. तो समझ आ गई ना बच्चों कि ये आसन आप लोगों के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं? अब हम लोग बढ़ते हैं उत्थित त्रिकोण आसन की तरफ. उत्थित मतलब खींचा हुआ और त्रिकोण मतलब त्रिकोण. ताड़ासन से शुरू करते हुए अपने पैरों को 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें और अपने दाएं पैर को 90 डिग्री के एंगल की तरह बाहर की तरफ मोड़ें और पिछले पैर को थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ें और दाएं तरफ झुकते हुए दाएं हाथ से दाएं पैर को टच करें और दूसरे हाथ को सीधा रखना है और उसी की तरफ देखना है.
इसी तरह से हमें लेफ्ट साइड को करना है। लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ मोड़ना है और राइट साइड के पैर को अंदर की तरफ मोड़ के दोनों हाथों को सीधा ले जाके फिर बाएं पैर को छूना है और दाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए उसी की तरफ देखना है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई ना बच्चों, सभी के सभी आसन हैं वो बहुत ईजी हैं और आपने रोज़ करने हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो कैसे लगे आपको ये एक्सरसाइज? बहुत इजी थे ना? तो आप भी ये करें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के साथ ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनको बहुत मजा आएगा करने में कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं और भी वीडियोस लाती रहूंगी आप लोगों के लिए, और आप लोग भी अपना प्यार हमारी वीडियोस को देते रहिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।